दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस करना होगा तो आप यहीं से होम स्क्रीन पे आप स्वाइप डाउन कर सकते हो, तो जो नोटिफिकेशन पैनल होगा वो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और जैसे आपको पता है, एंड्रॉयड में अगर हम एक एक उंगली से स्वाइप करते तो आपको ये नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, अगर आप दो उंगली से स्वाइप अप करते तो जो पूरे नोटिफिकेशन टॉगल है पूरे नीचे आ जाते। आप इस तरह क्विकली टॉगल को एक्सेस कर सकते हो वन फिंगर या टू फिंगर स्वाइप से। दोस्तों, इसमें पैनिक बटन का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे ऊपर पैनिक बटन। दोस्तों, पैनिक बटन होता है कि आपको जो पावर बटन है आपको 3 बार प्रेस करना है लगातार, 1 2 3। फिर पावर बटन 3 बार प्रेस करने पे जो इमरजेंसी नंबर होगा 112, उस पर कॉल चला जाएगा। तो आप इस तरह पैनिक बटन का यूज़ कर सकते हो आपके LG W30 में। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आपने आपके फ़ोन में कौन से ऐप में कितने समय के लिए टाइम स्पेंड किया है, कितने समय के लिए उस ऐप को यूज़ किया है, तो आप वो जान सकते हैं। आपको जाना है ऐप से नोटिफिकेशन में, इसके बाद आपको जाना है टाइम स्पेंड इन ऐप्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने उस दिन के दौरान कितने ऐप्स और कितने समय के लिए यूज़ किए गए थे। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने सेटिंग्स कितने मिनट के लिए यूज़ किया था, कैमरा कितने मिनट के लिए यूज़ किया था, गूगल कितने मिनट के लिए यूज़ किया था। तो एक दिन के दौरान आपने जो भी सारे ऐप्स यूज़ किए होंगे वो कितने समय के लिए किए हैं, वो आप यहाँ से टाइम स्पेंड इन ऐप्स में जाके आप जान सकते हो। दोस्तों, हमें पता है कि LG W30 में 4000 mAh की बैटरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे तरीके से बैटरी बैकअप मिले तो आप एक और एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हैं इसमें। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अडेप्टिव बैटरी, जो बैटरी में जाके आपको मिलेगा। आप अडेप्टिव बैटरी को इनेबल करके जो सारे बैकग्राउंड ऐप्स है वो मतलब ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं कर पाएंगे बैकग्राउंड में, तो इससे आपकी बैटरी की काफ़ी बचत होगी। तो इस तरह आप अडेप्टिव बैटरी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बैटरी सेवर भी यूज़ करना हो तो आप बैटरी सेवर यहाँ से इनेबल कर सकते हो। आप इस फोन में नोच को कस्टमाइज कर सकते हो 3 तरीकों से। जैसे आप डिस्प्ले में जाते हो तो सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलेगा नोच। आप नोच को 3 तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, उनका लुक एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो, अभी सबसे पहले जो है वो है डिफॉल्ट, आपको वाटर ड्रॉप की तरह दिखाई दे रहा है। आप इसे वाटर ड्रॉप की तरह भी कर सकते हो और इसे आप हाइड भी कर सकते हो। तो आप इन अलग अलग 3 तरीकों से अपने नोच को कस्टमाइज कर सकते हो। आप अलग अलग तरीके से उसे यूज भी कर सकते हो। तो ये मिल जाता है आपको डिस्प्ले में जाके नोच के ऑप्शन में। दोस्तों, LG W30 में अडेप्टिव ब्राइटनेस भी है, मतलब आप जैसे लाइट होगा आपके आसपास एम्बियंट लाइट, उसके हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट करेगा। हालांकि अच्छी तरह से काम करता नहीं है, फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले में जाना है और एडवांस में जाके आपको यहाँ पे अडेप्टिव ब्राइटनेस मिल जाता है, आपको इसे इनेबल करना है। तो जब कभी भी जो लाइट होगी उसके हिसाब से आपकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो अच्छी बात है अपनी बैटरी बचाने के लिए। दोस्तों, वैसे ही अगर आप डिस्प्ले में जाते हो तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है स्क्रीन कलर मोड। आप स्क्रीन कलर मोड को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये डिफॉल्ट टोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसे कम भी कर सकते हो और आप इसे बढ़ा भी सकते हो। तो आपको जैसे कलर मूड चाहिए, ज़्यादा कलर चाहिए तो आप ज़्यादा रख सकते हो, तो जो आपके पिक्चर्स होंगे वो ज़्यादा कलरफुल आपको दिखाई देंगे। तो आप इस तरह से ये कर सकते हो, कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हो। तो आपके जो पिक्चर होंगे, जो वीडियोस होंगे, जो आपका फ़ोन होगा उसमें काफ़ी बदलाव आएगा अगर आप इस कलर मोड को चेंज करते हो तो। दोस्तों, LG W30 के इस फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है। तो अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप उसका LED नोटिफिकेशन देख सकते हो अलग अलग कलर के साथ। तो इसको आपको इनेबल करना है, तो कैसे करना है मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जैसे आप जाते हो आपको जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाके आपको एडवांस में जाके यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करना है। तो आप यहीं से मिस इवेंट, ऐप नोटिफिकेशन, चार्जिंग, चार्जिंग फुल, बैटरी लो को आप अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। हालांकि इसमें आप जो कलर दिए हुए उसी हिसाब से आप कलर रख सकते हो, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको 100 मोड का यूज़ करना है आपके LG के फ़ोन में तो आप वो भी कर सकते हो। आपको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको एडवांस में जाना है, इसके बाद आपको 100 मोड को इनेबल करना है। तो आप जैसे इसे इनेबल करते हो, तो इसको इनेबल करना है कैसे, तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पर जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा 100 मोड। आप देख सकते हो 100 मोड, यहाँ पर आप 100 मोड को यूज़ कर सकते हो। आप इसको 100 मतलब एक हाथ से अभी यूज़ कर सकते हो, आपको दूसरा हाथ, मतलब अगर आपकी स्क्रीन आपको लगती है ज़्यादा बड़ी है तो आप
थोड़े समय के लिए आपके फोन को वन हैंडेडली यूज कर सकते हो। आपको पोजिशन अगर चेंज करनी हो इस साइड, तो आप इस साइड या उस साइड रख सकते हो, और आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो अपने आप। दोस्तों अभी आप देखोगे कि मेरा फोन जो है, जब से मैं लिफ्ट करता हूँ वैसे जो फोन है बैकअप हो जाता है। तो जैसे मैं उसे लिफ्ट करूंगा, अगर मान लो आपका फोन लॉक है और आप उसे लिफ्ट करते हो तो वो अनलॉक हो जाएगा, जे अगर आपने उसे फेस लॉक दिया हो तो वो अनलॉक भी हो जाएगा। तो ये करना कैसे, आपको डिस्प्ले में जाना है और एडवांस में जाके आपको यहाँ पे लिफ्ट टू वेक इसको इनेबल करना है। तो आप इसको जैसे इनेबल करते हो, तो आप जैसे ही आपके फोन को अगर आप लिफ्ट करोगे तो आपका फोन जो है वेकअप हो जाएगा और आपके फोन फेस को स्कैन करके वो अनलॉक भी हो जाएगा। दोस्तों एलजी के इस फोन में आपको अलग अलग टाइप की तीन थीम मिल जाती है जो आप रख सकते हो। आपको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाके आपको एडवांस में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिवाइस थीम। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक है, आपके जो वॉलपेपर होगा उसके हिसाब से वो थीम चेंज होती रहेगी, और लाइट है और डार्क है। तो मैंने अभी डार्क रखी है, तो डार्क में मतलब कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। जैसे आप सेटिंग्स में भी जाते हो तो जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट ही रहता है, तो डार्क होता नहीं है। लेकिन हालांकि ये जो नोटिफिकेशन पैनल है नो डार्क हो जाता है। तो ये जो डार्क होता है आप डार्क थीम से एक्टिवेट कर सकते हो। अगर लाइट करोगे तो ये जो बैकग्राउंड होगा ये व्हाइट होगा। तो ये जो थीम है ज़्यादातर अभी तो नोटिफिकेशन में ही काम करती है, किसी ऐप में या फिर सेटिंग्स में ये काम नहीं करती। तो आप डिवाइस थीम का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपके स्पीकर में से जो आवाज़ है वो काफ़ी कम है, तो आप उसे बढ़ा सकते हो, बूस्ट अप कर सकते हो। आपको जाना है साउंड में, साउंड में जैसे जाते हो आपको नीचे मिलेगा एडवांस में, और एडवांस में सबसे लास्ट ऑप्शन होगा साउंड एनहांसमेंट। तो जो साउंड एनहांसमेंट में बेस लाउडनेस होगा उसे आपको इनेबल करना है। तो आपकी अगर कंप्लेन है कि आपको स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जो स्पीकर का आवाज़ है थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा। तो आप जब सॉन्ग सुनते हो या मूवी देखते हो तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। दोस्तों कभी कभी होता है कि फ़ोन के यूआई में ज़्यादा एनिमेशंस होते हैं, तो उसके कारण आपको लगता होगा कि आपका फ़ोन स्लो हो चुका है या स्लो है। तो अगर आपके फ़ोन में जो एनिमेशंस होते उसको आपको रिमूव करने हैं, एनिमेशन को दूर करना है ताकि आपका फ़ोन फास्ट हो सके, तो आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है, आपको रिमूव एनिमेशन करना है। रिमूव एनिमेशन करते हो तो जो भी एनिमेशन होंगे, जो आप बैक जाते हो, रिसेंट एप्स करते हो, तो उसके जो एनिमेशन होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो आपका फ़ोन जो है काफ़ी फास्ट होगा पहले से ज़्यादा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं नीचे करता हूँ नोशन, तो काफ़ी फास्ट ये रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस तरह आप कर सकते हो, आपको रिमूव एनिमेशन करना है एक्सेसिबिलिटी में जाके। आपके अगर फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेनी है तो इसके तीन तरीके हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना है आपके पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को साथ में प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो जो स्क्रीनशॉट है वो आपको ऐसे मिल जाएगी। आप जो दूसरी मेथड है वो है पावर की लॉन्ग प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आप पावर पे लॉन्ग प्रेस करके रखिए, जो एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट। और जो तीसरी मेथड है वो है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट। तो आपको थ्री फिंगर करना है, तो आपको इस तरीके से भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी। अगर आप थ्री फिंगर स्वाइप करते हो, स्वाइप डाउन करते हो, फिर भी आपकी स्क्रीनशॉट नहीं आती, तो आपको एक ऑप्शन को इनेबल करना होगा। आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स में जाके आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना होगा। इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पे थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, इसे आपको इनेबल करना है ताकि आप कभी भी थ्री फिंगर स्वाइप करें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकें। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका जो फ़ोन है डबल टैप करके वेकअप हो या फिर डबल टैप करके लॉक हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपके फ़ोन में आपको जाना है सिस्टम में, सेटिंग्स में जाके सिस्टम में जाना है। इसके बाद आपको एडवांस में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मिलेंगे स्मार्ट एक्शन। स्मार्ट एक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे है वेकअप स्क्रीन बाय डबल टैप, तो आप इसे इनेबल कर लीजिए। मतलब आप जब कभी भी स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी, वेकअप हो जाएगी। और इसके नीचे है लॉक स्क्रीन बाय डबल टैप, तो आपको डबल टैप करना है होम बटन पे। तो मान लो अगर मुझे स्क्रीन वेकअप करनी है तो मैं डबल टैप करूंगा, मेरी स्क्रीन वेकअप हो जाएगी। आपको होम पे डबल टैप करना है तो आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने स्क्रीन पे डबल टैप करके वेकअप कर सकते हो, होम बटन पे डबल प्रेस करके आप अपने फोन को लॉक भी कर सकते हो। इसके अलावा उसके नीचे अगर आप देखोगे, जैसे आप सिस्टम में जाओगे एडवांस में, इसके नीचे आपको मिल जाएंगे स्मार्ट एक्शन में फ्लिप टू म्यूट और अनलॉक बाय पावर बटन। तो आपको पता है अगर कोई फ़ोन आता है तो आपको अगर वो रिंगिंग हो रहा है आपको साइलेंट करना है, उसे म्यूट करना है, तो आप उसे
फ्लिप कर सकते हो। तो कोई भी अगर कॉल आता है, अगर आप फ्लिप करते हो तो जो रिंगिंग होगी वो बंद हो जाएगी, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप अपने LG W30 के फ़ोन में स्मार्ट जेस्चर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिस्टम्स में जाना है, सिस्टम्स में जाके आपको एडवांस में जाना है, आपको यहाँ पे मिलेगा स्मार्ट जेस्चर। तो स्मार्ट जेस्चर का मतलब है कि आप अपनी फ़ोन को अगर स्टैंड बाय में होती है, लॉक होती है, तो आप अपने फ़ोन पे देख सकते हो, कैमरा के लिए O, फ़ोन के लिए C, प्ले म्यूजिक के लिए M, ऐसा प्रेस कर सकते हो। मान लो अगर मुझे फ़ोन करना है तो मैं C करूँगा, तो जो आप देख सकते हो कि जो फ़ोन ऐप है वो ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह, अगर मुझे कैमरा ऑन करना है तो मैं O करूँगा, तो आप देख सकते हो जो कैमरा होगा वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग जेस्चर रख के उन जेस्चर का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से जेस्चर को ऐड भी कर सकते हो। आपको अगर ज़्यादा जेस्चर चाहिए होंगे तो आप यहीं से लॉन्च ऐप, जो ऐप ऐप के लिए भी आप कोई वर्ड दे सकते हो इस तरीके से। तो बहुत सारे जेस्चर आप यहीं पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाता है स्मार्ट जेस्चर में। स्मार्ट जेस्चर यूज़ करने का और एक तरीका है कि आपको यहाँ पे अपर कॉर्नर में क्लिक करना है, इस तरह स्वाइप डाउन करना है, और आप यहीं पे अगर मान लो मैं O करता हूँ तो कैमरा हो जाएगा, या फिर मैं उसी तरह अगर C करता हूँ तो कॉल हो जाएगा। तो आप अलग अलग जेस्चर का यूज़ कर सकते हो, और दो तरीक़ों से आप अपने जेस्चर का यूज़ कर सकते हो आपके फ़ोन में। दोस्तों आप देख सकते हो आपको यहाँ पे जीमेल पे एक डॉट दिखाई दे रहा है, मतलब एक नोटिफिकेशन आ चुकी है या कई सारी नोटिफिकेशन आई है। तो कौन कौन से ऐप्स है जिसमें नोटिफिकेशन आ चुकी है, आई हुई है, तो इसके लिए ये डॉट होते हैं जो अनरीड बताता है कि आपने उसको रीड नहीं किया। तो ऐसे आप डॉट बता सकते हो, आपको लॉन्ग प्रेस करना है और होम सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन डॉट्स, उसे ऑन करना है। तो आप इसे ऑन कर सकते हो, तो इससे होगा कि आपने जो भी एप्स के नोटिफिकेशन नहीं पड़े होंगे उसके ऊपर आपको ये डॉट दिखाई देगा। दोस्तों आपको एक बात बता देते, जैसे कि आप अगर इस होम स्क्रीन को देखते हो, तो आप जैसे यहाँ पे ऊपर स्वाइप अप करते हो तो आप रिसेंट एप्स में जा सकते हो। रिसेंट एप्स में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एक आइकॉन दिखाई देगा ऊपर, सभी एप्स के ऊपर राउंड में, तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है। तो आप किसी भी स्क्रीन को दो हिस्सों में बांट सकते हो। आपको रिसेंट एप्स में जाना है इस तरह स्वाइप स्वाइप अप करके यहाँ से, और आपको अगर ये ऐप स्प्लिट में करना है दो हिस्सों में, तो स्प्लिट स्क्रीन करिए, आप उसे स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरह दोनों ऐप को एक साथ यूज़ कर सकते हो इस फीचर के जरिए। दोस्तों LG W30 के फ़ोन में आपको ऐप ड्रॉवर भी मिल जाता है। जैसे आप स्वाइप अप करते हो तो आपको एक बार और स्वाइप अप करना है, तो आपके जो सारे ऐप्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐप ड्रॉवर में। तो आप जैसे एक बार स्वाइप अप करोगे तो ये रिसेंट ऐप्स बताएगा, और दूसरी बार स्वाइप अप करोगे तो ये आपके ऐप्स बताएगा। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करोगे तो रिसेंट ऐप्स, और थोड़े ऊपर तक करोगे तो आपका जो ऐप ड्रावर है वो खुल जाएगा।